हेलो फ्रेंड्स, किचन मिल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम का पन्ना। आम का पन्ना बहुत ही टेस्टी लगता है, ये फ़ायदा भी करता है। कहते हैं आम का पन्ना पीने से लू नहीं लगती है, गर्मियों में इसको ज़रूर लेना चाहिए। पांच फ्लेवर वाला मैं आपको आम का पन्ना बताऊंगी। जो लोग मीठा पसंद नहीं करते हैं उनके लिए भी, जो मीठा पसंद करते हैं उनके लिए, और जो मीठा बिल्कुल नहीं खाते हैं उनके लिए भी। आप सभी के लिए मैं आज लाई हूँ पांच तरह का आम का पन्ना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कच्चा आम लेते हैं, इसमें कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है। मैंने ये पांच छोटी छोटी कैरी ली हैं, इनको अच्छे से धो लेंगे। मैंने धो लिया है, और जिसमें भी हमें कैरी बॉईल करनी है हम वो बर्तन ले लेंगे। इसको कुकर में उबालेंगे। सबसे पहले हमारे कैरी का ये वाला पार्ट हटा देंगे। इस तरह से हटाने के बाद हम इनको छीलेंगे, इसका अच्छे से छिलका उतारेंगे। इस तरह से हम सभी कैरी का छिलका उतार लेंगे। इस तरह से मैंने इन पांचों का छिलका निकाल लिया है। अब हम इसका पूरा गूदा निकालेंगे और कुकर में डालते जाएंगे। इस तरह से हमने सारा गूदा इसका निकाल लिया है। गुठली को हम अलग कर लेंगे। सभी कैरी का इसी तरह हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसका सारा गूदा निकाल लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। कैरी का पल्प अच्छे से डूब जाए इतना हमें पानी डालना है इसमें। एक चम्मच नमक, इसका ढक्कन अच्छे से लगा देंगे। इसमें हाई फ्लेम पर दो तीन सीटी ले लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। हमने इसमें दो से तीन सीटी ले ली थी, अब इसकी सीटी निकल चुकी है पूरी। सीटी निकलने के बाद ही हम इसका ढक्कन खोलेंगे। आप देखिए अच्छे से बॉईल हो गए हैं। ग्राइंडर की हेल्प से इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको हम एक चलनी से छान लेंगे। हम इसको छानते इसलिए क्योंकि इसमें तातु वगैरह होते हैं या धागे होते हैं, इसमें वो निकल जाते हैं एक्स्ट्रा। ये इसको हटा देंगे। अब हम इसको एकदम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हमें बनाना है पांच फ्लेवर में आम का पन्ना। हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। इन दो पार्ट को हम अलग रख देंगे। सबसे पहले हम चीनी वाला पन्ना बना रहे हैं। इसमें मैं पिसी हुई चीनी काम में ले रही हूँ क्योंकि जल्दी से घुल जाएगी। आप वैसी चीनी भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम चीनी डालेंगे इसमें। ये वाला पन्ना थोड़ा खट्टा मीठा बनता है, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है इसमें। अब इसमें डालेंगे मसाले, जीरा पाउडर, सारी चीज़ें इसमें अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं। जिसको जैसा पसंद है वैसा मसाला डालें। काली मिर्ची, काला नमक इसमें बहुत ज़रूरी होता है, इससे ही फ्लेवर अच्छा आता है इसमें। सूखा पुदीना पाउडर। जब ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, अब इसमें हम डालेंगे एकदम ठंडा पानी फ्रिज का। इसको इस तरह से इतना पतला कर लेंगे। पानी डालने के बाद आप मसाले एक बार और टेस्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको एक साइड में रख देंगे। अभी हम बनाएंगे नमकीन पन्ना। जो लोग चीनी बिल्कुल नहीं खाते हैं, मीठा नहीं खा सकते, वो इसको बना के पी सकते हैं। इसमें डालेंगे काला नमक, जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ठंडा पानी। इसको भी हम साइड में रख देंगे। हमने चीनी का बना लिया, नमक का बना लिया, अब हम इसे बनाएंगे गुड़ से। जो लोग चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं वो गुड़ खा सकते हैं, गुड़ हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। ये गुड़ का पाउडर मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यदि आपके पास पाउडर नहीं है तो
आप डायरेक्ट गुड़ को भी पानी में भिगो के डाल सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पाउडर डालेंगे। जब गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें भी मसाले डालेंगे, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, पुदीना पाउडर, इसमें भी ठंडा पानी डालेंगे। अभी कैरी का पन्ना हमारा 3 फ्लेवर में तैयार हो गया। अब हम इसको 5 फ्लेवर में बनाएंगे। हम इसको सर्व करते हैं। सबसे पहले मैं खट्टा मीठा चीनी का पन्ना सर्व करूंगी। हर एक ग्लास में आइस क्यूब्स डाल देंगे। आइस क्यूब्स डालने के बाद 2 ग्लास में लाल मिर्च पाउडर, एक को ऐसे ही रहने देंगे। एक में साबुत जीरा, सिका हुआ जीरा है जिसमें हमने लाल मिर्च डाली है, उसमें एक में बूंदी डाल देंगे। ये रायता बूंदी है। ये बॉइल्ड पोटैटो हैं, इनके मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं, एक ग्लास में ये डाल देंगे। और जो हमने चीनी का खट्टा मीठा आम का पन्ना बनाया था, अब इन 3 ग्लास में डालेंगे। फ्रेंड्स, अपने 3 फ्लेवर रेडी हैं। अब हम चौथा फ्लेवर बनाएंगे, वो हम खट्टा वाला बनाएंगे। उसके लिए भी सेम आइस क्यूब्स डाल देंगे। इसमें हम ताज़ा पुदीने की पत्तियां डालेंगे, इस तरह से तोड़ देंगे इनको हाथ से, इसमें डाल देंगे। कैरी का खट्टा पन्ना सर्व करेंगे ग्लास में। एक और लास्ट फ्लेवर बनाएंगे, साबुत जीरा सिका हुआ जो हमने गुड़ के पाउडर से बनाया था, अब उसको सर्व करेंगे। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको मेरे 5 फ्लेवर कैसे लगे? आम का पन्ना रेडी है, आप इनको ज़रूर ट्राई करना। 5 फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। Thank you.